कपाल वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे अमेजिंग लोफर्स लफंगीज दिखाने वाला हूँ जो कि आते हैं अंडर 1000 में। तो पहला बॉक्स आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है सिंबल देव। अमेजोन वाली वीडियो बन रही है और अमेजोन के प्रोडक्ट्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर इसके प्राइसिंग की बात करें, अनाप सनाप 1999 लिखा हुआ, लेकिन आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, एग्जैक्ट में बताऊंगा कितना करना है। और जब भी भाई लेदर से बने मटेरियल्स की बात होती है ना, बेसिकली शूज या बैग्स या वॉलेट्स, ये सारी चीजें ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इनमें होता है यूज लेदर। लेकिन हम आपको अच्छे ब्रांड्स के बजट वाली चीजें दिखाएंगे। तो अगर इस लोफर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पैकेजिंग कितनी अच्छी है। एक बड़ा सा ऐसा हुक जैसा प्लास्टिक डाला गया है इसमें ताकि ये एक्चुअल ना अपना शेप मेंटेन रखे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली देखो लोफर है तो लेदर से ही बना होगा, लेकिन ब्रांड ना कहीं भी मेंशन नहीं करती कि किस टाइप का इन्होंने लेदर यूज किया है। तो हम सपोज करते हैं कि बहुत ज्यादा कोई प्रीमियम लेदर नहीं होगा। हालांकि पूरे बॉडी में ना आपको डार्क ब्लू कलर का ना टिंट देखने को मिलेगा, टिपिकल लोफर जैसे आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग दी गई है, यहाँ पर ब्लैक कलर के लेदर पैच के थ्रू ऐसे डिजाइनिंग बनाई गई है जो कि आप बीरोल के थ्रू देख पा रहे होंगे। साइड की स्टिचिंग्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अंदर में आपको इसमें भाई मेमोरी फोम देखने को मिलता है जो कि बहुत सारे जूतों में होता है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हल्के हल्की ना इसमें आपको बम्प्स देखने को मिल जाएगी और सिंबल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं अपने हाथ डालू ना तो ऊपर की तरफ ना बहुत खूबसूरत फर जैसा ना फेब्रिक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है पकड़ने में। नीचे की तरफ आपको हार्ड रबर से बना हुआ इसका बॉटम सोल देखने को मिल जाएगा, हल्का सा एकदम माइनर हाफ इंच इतना ना इसमें हील दिया हुआ है जो कि ओवरऑल खूबसूरत लग रहा है। हालांकि एक मेजर प्रॉब्लम की बात करें ना तो हमने इसे अपने देखो पैर साइज के हिसाब से मंगाया था 9 नंबर, लेकिन जब हम इसे पहन रहे थे एक्चुअल ना ये साइड से ना एक्सपेंड नहीं होता। यूजुअली जितने भी लोफर्स बने होते हैं ना वो यहाँ से ना हल्के से आउटर साइड में भागे होते हैं फिर अंदर तरफ जाते हैं, या उनका लेदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो फ्लेक्स कर पाता है। ये एक्चुअल में ना बड़ी पतला सा डिजाइन है और हमारे पैरों में अच्छे से आ नहीं रहा था। मे बी मेरे पैरों की गलती हो सकती है। अगर आपके पैरों का साइज है भाई 9 ना तो इस वक्त अमेजोन में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब देख पा रहा हूँ कि 390 रुपए में ये लोफर आपको मिल रहा है, लेकिन अदर साइजेस पे वही सेम 800 रुपए 900 रुपए के आसपास में इसकी प्राइसिंग है जो कि स्टिल बहुत बेस्ट है, लेकिन 9 नंबर वालों के लिए भाई लॉटरी लगी हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई बड़ी लोमड़ी यानी बिग फॉक्स और प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 2499। फटाफट निकालते हैं और अंदर में भाई ये प्लास्टिक से जो रैप करके देते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। प्लास्टिक का यूज बंद करो, खा खा के सोसाइटी में गंध करो। ऑलराइट, पहली बार में देखने से ना भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। फटाफट निकालते हैं कागज को। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पूरी बॉडी में आपको मेजरली ब्राउन कलर्स के शेड्स देखने को मिलेंगे। जैसे अपर वाला पार्ट डार्क ब्राउन है, वो लाइटर ब्राउन या मिट्टी का जो कलर होता है उस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अपर बॉडी की बात करें ना, इसकी पूरी बॉडी सिंथेटिक स्वेट टाइप के लेदर से बनाई गई है। मतलब एग्जैक्टली स्वेट नहीं है, बड़ा ही फरी फरी टाइप का फील होता है। ऊपर में आपको डिजाइनिंग के लिए एक ब्राउन कलर का लेदर पैच लगाया गया ऐसे कट्स के थ्रू जो कि खूबसूरत लग रहा है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है। इंसोल की भाई कुशनिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर में आपको बिग बॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और अंदर अंदर तक भी ना यहाँ पर हल्के हल्के ना लेदर की लाइनिंग की गई है। आउटर सोल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको रबर का आउटर सोल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आउटर सोल के ऊपर की साइड में ना स्टिचिंग्स के थ्रू ना यहाँ पर डिटेलिंग और डिजाइनिंग ऐड की गई है जो कि खूबसूरत लग रही है। ओवरऑल कहीं अगर इसे जज करोगे ना तो ये लोफर प्लस थोड़ा सा लो टॉप स्लिप ऑन स्नीकर कैसे होते हैं उस टाइप का डिजाइन किया गया है, तो एकदम ही ना इसमें लोफर वाली वाइब नहीं आएगी। थोड़ा सा ना इसके आउटर सोल की वजह से ना स्नीकर टाइप का लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, कलर बहुत प्यारा है। ये लोफर आपको मिल जाएगा 800 रुपए के अंदर। कितना एग्जैक्टली पे करना वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट लफंगी के ब्रांड का नाम है भाई व्हाइट वॉकर्स और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है, कुछ नहीं यूं ही ठेल दिया। ऑलराइट भाई, चमक रहा भाई। ऑलराइट, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पूरी अपर बॉडी जो है फॉक्स लेदर से बनाई गई है, साथ ही पूरी बॉडी ना ग्लॉसी यानी खतरनाक शाइन करती है। फ्रंट टू बॉक्स के पास में देखोगे ना हल्के से एलिगेटर स्किन टाइप की ना यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है, टेक्सचर दिया गया है और ठीक उसके ऊपर में यहाँ पर एक फ्लैप डिजाइन किया गया है जिसके ऊपर में आपको मेटल टाइप का ना कुछ ऐसा करके अटैचमेंट मिलता है जो कि इसके डिजाइन का पार्ट है। खूबसूरत लग रहा भाई। साइड की पैडिंग वैडिंग ना के मात्र है और इंसोल की पैडिंग भी ना ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर की तरफ हाथ डाल के ऊपर की अगर क्वालिटी चेक करें ना तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं ना हार्ड हार्ड जैसा फील हो रहा है। हालांकि अगर इसके आउटर सोल की बात करें, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत जैसा बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें ना चंक ऐड किया गया है और ऐसे जो ब्लॉक ब्लॉक पीसेस जैसे बनाए गए ना इसके आउटर सोल में, इसमें ना वो ज़ारा के लोफर्स जैसी लुक आ रही है। हालांकि नीचे में आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, साथ ही ये जो आप ब्लैक कलर भी देख रहे हो ना ये पेंटेड है। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक लोफर में ना भाई हल्की सी रगड़ आ गई थी जिसके कारण से ना ये पता चल पा रहा है कि इसमें पेंट किया गया
गया है। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप कम प्राइस पे करोगे ना इन सारे प्रोडक्ट्स में, स्पेशली लेदर से बने हुए प्रोडक्ट्स में ना, आपको बहुत तगड़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें बाटा की, मोची की और ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की, अगर उनके ये लोफर्स लेने जाओगे ना, आपको 2,000, 2,500, 3,000 के आसपास पे करना पड़ेगा, जिनकी क्वालिटी अच्छी तो होगी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें ना हम अपने डेली यूजेस में ना नहीं पहनते। एक स्मार्ट डिसीजन ये है ना, अगर ऐसी चीजें खरीद रहे हो तो काम चलाओ टाइप की चीजें खरीदो। इसके ग्लॉसी होने से एक अच्छी बात क्या है कि एकदम प्रॉपर ना आप इसे पार्टी वार्टी में आराम से पहन सकते हो। मैं पहन के कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, ये आपको अगेन मिल जाएगा 800 रुपए के अंदर में। नेक्स्ट लोफर आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है लजार्ड और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी है 1399। अब तक सबसे कम है लेकिन देखते हैं भाई क्वालिटी कैसी है। फटाफट निकालते हैं लोफर को और देखते हैं कि मैं कैसा लगूंगा, लफंगा लगूंगा या स्मार्ट लगूंगा। ऑलराइट, अगर इस लोफर की बात करें, इसमें आपको डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलता है जो कि सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जब भी आप देखो लोफर ओफर खरीदते हो ना, कोशिश करो कि डार्क कलर के लिए ही जाओ ताकि आप ना बहुत सारे आउटफिट्स के साथ उसे आराम से पेयर कर पाओ। अगर इसके ऊपर मटेरियल की बात करें, सेम इसमें आपको वही वेलवेटी सिंथेटिक स्वेट टाइप का मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि अगेन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। साथ ही ये भी एक सच बात है ना कि ऐसे मटेरियल्स को ना भाई केयर बहुत ज्यादा करना पड़ता है। साइड में आपको स्टिचिंग्स के थ्रू डिटेलिंग मिल जाएगी, फ्रंट में आपको ऐसे मल्टीपल स्ट्रिप्स वाली ना एक पैच लगाई गई है जो कि है टेक्सटाइल फैब्रिक की, एंड इसमें एक खूबसूरत सा एलिमेंट ऐड करी है। साइड की पैडिंग वैडिंग अच्छी, मैं इसलिए कहूंगा ना क्योंकि इसके अंदर ना टेक्सटाइल फैब्रिक ऐड किया गया है। यूजुअली जितने भी ऐसे लोफर्स होते हैं जिसके अंदर लेदर होता है ना, उसके कारण से ना पैरों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, फिर पैर स्वेट होता है, फिर हमें पहनने में प्रॉब्लम होता है। टेक्सटाइल फैब्रिक होने से क्या हो रहा है ना कि आराम से स्वेट अब्सॉर्ब होगा और आप आराम से पहन पाओगे। इनसोल की क्वालिटी सच में इसमें अच्छी है, मैट ब्लू कलर का इनसोल है, लजार्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड आउटर सोल इसका बना हुआ है पीवीसी मटेरियल यानी प्लास्टिक से। मे भी ऐसा हो सकता है ना कि ये टाइल्स वाइल्स में चलने से ना थोड़ा सा स्लिपरी हो जाए, रबर होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। मैं पहन के कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, इसके लिए भी आपको 800, 850 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से भाई अच्छी चीज है। ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लास्ट खूबसूरत सा बॉक्स आ गया हमारे पास में, अमेज़न का बॉक्स। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट मंगा अमेज़न का बॉक्स मिल जाए ना, आपको समझ लो कि अंदर का जो माल है ना वो फटाफटी हो सकता है, मतलब आपका प्रोडक्ट नहीं डब्बा डब्बा। एंड देखो वही हुआ, पूरे डब्बे में भाई टेप वेप लगाया हुआ है। एक और खूबसूरत सिंबल का लोफर, प्राइसिंग यहाँ पर अनाप सनाप 2299। बड़ा बड़ा हम इसे निकालते हैं और देखते हैं भाई की क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। ऐसे बहुत ही ज्यादा डार्क या मैट टाइप का ब्लैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही फ्रंट में ग्रे और बहुत सारे छोटे मोटे कलर जो मैं आपको दिखाते चल जाऊंगा। इसकी भी पूरी बॉडी ना फॉक्स या सिंथेटिक टाइप के लेदर से बनाई गई है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पहनने में आपको आसानी हो इसलिए साइड साइड में आपको ऐसे इलास्टिक्स देखने को मिल जाएंगे, और फ्रंट में ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हो ना, ऐसे डब्ल्यू या मैकडोनल्ड्स के टाइप की, या ऐसे करके देखोगे तो ऐसा लगता है कि दुल्हन के फेस में ऐसे करके डॉट डॉट वाली ऐसे करके ना कुमकुम लगाई गई है, उस टाइप की जो डिजाइनिंग होती है ना उसे बोलते हैं भाई ऑक्सफोर्ड डिजाइनिंग। ऑक्सफोर्ड के शूज भी होते हैं, ऑक्सफोर्ड के लोफर्स भी होते हैं। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग ना के बराबर है, इनमें उतनी ज्यादा पैडिंग होती नहीं है। अगर इसकी इंसोल की भी क्वालिटी की बात करें, नॉट द बेस्ट अंदर अंदर, लेकिन ऊपर की तरफ ना आपको भाई बहुत अच्छे सॉफ्ट मटेरियल या फर टाइप का ना टच देखने को मिलता है। आउटर सोल की बात करें तो डेफिनेटली रबर का आउटर सोल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और वहीं ऊपर की तरफ देखोगे ना तो 3 कलर की ना आपको पाइपिंग देखने को मिलेगी, जिसमें पहला व्हाइट है, फिर नेवी ब्लू है, फिर ब्राउन है, जो कि ओवरऑल ना इसके लुक को बहुत ज्यादा इनहांस कर रहा है। हालांकि छोटी सी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मैंने इसे पैरों में डाला, ये अपने ना ट्रू साइज में फिट नहीं हो रहा। अगर एक साइज में छोटी लेता ना तो शायद से साइज मुझे ज्यादा बेस्ट आता। सीधी बात कहूं ना तो इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, कोशिश करना है कि इस वाले लोफर को अवॉइड करना। देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है भाई, चीजें मंगाते उतनी अच्छी नहीं निकलती जितना सोचते हैं, आपको बता पाते हैं ताकि आप बच पाओ। और वहीं प्राइसिंग की भी बात करें ना तो अमेज़न की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अलग अलग साइज पे अलग अलग प्राइस वाला लोचा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके हमारे प्यार को और पावर को और बढ़ाइएगा। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।